समस्तीपुर जिले के सरारंजन प्रखंड अंतर्गत भगवतपुर स्कूल के पोखरे में एक शव मिलने की सूचना पर सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान भगवतपुर बड़ईपुरा मुसहरी के शिवलाल सदा के रूप में की गई है। शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। परिजनों ने बताया कि शौचालय जाने के क्रम में पैर फिसलने की वजह से तालाब में डूबने से मौत हो गई। मामला सरायरंजन थाने के भगवतपुर चौक स्थित पोखरे की बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वह मामले की छानबीन में जुट गई। हमको सूचना सुबह में मिले हैं मोहन डॉक्टर साहब के से मोबाइल से, एक महिला को इन्होंने फ़ोन किया। कल जो है सो निकले थे काम के लिए और शाम तक जो है सो नहीं लौटे, तो हमने घर पर पूछा कि वो आए हैं भाई साहब की नहीं, तो वो बोला कि नहीं अभी तक नहीं आए हैं, सो आएंगे तो बता रहे। तो हम खाना खा के सो गए। सुबह में जब उठे हैं तो मोहन जी के नंबर से एक महिला हमारे यहाँ के हैं, उनको फ़ोन गई कि आपके टोला के एक व्यक्ति जो है सो पानी में डूबल है, से आकर के देखिए। तो हम लोग जो है सो सूचना मिल गया, तो हम लोग आए हैं तो देखे हैं कि डूबे हुए थे। हमें लगता है कि शाम में जो है सो शौच के लिए इधर आए हैं, पानी में जो है डूब गए। मृतक का क्या नाम है? मृतक का नाम शिवलाल सर। कहाँ घर हुआ उनका? भगवतपुर बड़ेपुर। आपका क्या नाम हुआ? विनोद कुमार साल। आप क्या है मृतक के? मृतक का छोटा भाई शिवलाल सादा जी, जो वार्ड नंबर 9 अनुसूचित टोला के हैं, वो शौच करने के लिए आए। शौच करने के क्रम में जो है तो शौच करने के बाद जब मैंने पैखाना साफ कर रहे थे उसी समय जो है स्लिप किए, और स्लिप करने के बाद गहरी पानी में चले गए और डूब के उनकी मृत्यु हो गई। सुबह में बहुत खोजने के बाद उनका जो है सो यहाँ पर लाश मिला। क्या नाम हुआ आपका? घनश्याम ठाकुर। आप क्या हैं? हम सामान्य कार्यकर्ता हैं जदयू के,